नमस्कार, मैं आशुतोष। चुनाव यात्रा के दौरान हम गया पहुँचे और गया में बहुत ही खास जगह है। आप मेरे पीछे कई ज़्यादा शोर सुन सक रहे होंगे। यहाँ पर आपको मशीन्स चलती है जहाँ पे आपको बुनाई होती है, तो आपको गमछा बनता है। और इसी मोहल्ले की एक और ख़ास बात है कि ये जो आप घर देख रहे हैं, बहुत पुराना सा मकान है, और ये जो पटवा मोहल्ला है, जो पटवारी समुदाय है, ये यहाँ पर कई दशकों से IITian प्रोड्यूस करने के लिए जाना जाता है। इस साल भी 2020 में यहाँ पर 15 से ज़्यादा स्टूडेंट्स IITian बने, और इनकी अपनी एक तरीका है। यहाँ पर वृक्ष पब्लिक लाइब्रेरी है जहाँ पर सारे बच्चे तैयारी करते हैं, पुरुष महिला। तो आइए हम ऊपर चलते हैं, बच्चों से थोड़ी बातचीत करते हैं कि उनकी तैयारी कैसी होती है, क्योंकि जहाँ बच्चे दिल्ली कोटा बहुत फैंसी कोचिंग इंस्टीट्यूशन में एयर कंडीशन में पढ़कर IIT और इसकी तैयारी करते हैं, जहाँ सैकड़ों स्टूडेंट होते हैं, वहीं पर बिहार के गया, जो बिहार एक तरह से पिछड़ा राज्य माना जाता है, और वहाँ पर के एक छोटा सा समुदाय है, पटवारी समुदाय, जो खुद बुनकर है, और वो समुदाय के बच्चे एक सेल्फ हेल्प ग्रुप की तरह और यहाँ पर तैयारी करते हैं। तो देख सकते हैं कैसे बच्चे यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, लगे हुए हैं। तो मैं आपसे बात कर सकता हूँ? क्या नाम हुआ आपका? सुजल कुमार। सुजल, तो सुजल, क्या मन में आया कि मतलब यहाँ जन्म हो गया तो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, कि मन में भी इच्छा हुई देख के कि भाई इंजीनियरिंग ही करनी है? मन में भी इच्छा हुई कि इंजीनियरिंग ही करनी है। इसे क्या अच्छा लगा, मतलब क्या देखकर समझ में आता है कि इंजीनियरिंग करने से? देखिए, लोग मानते हैं कि भाई देश में बहुत सारे इंजीनियर हो गए, इंजीनियर बाद में राइटर बन जाते हैं, फिल्म मेकर बन जाते हैं, तो आप लोगों में ऐसा इतिहास है कि नहीं? हाँ, कुछ लोग मतलब इंजीनियरिंग करके आगे जॉब करते हैं, क्योंकि इधर का मतलब सबका फैमिली बैकग्राउंड सही नहीं रहता। अच्छा। तो कुछ लोग पहले फैमिली बैकग्राउंड का सही मतलब थोड़े पुअर क्लास फैमिली से आते हैं, मिडिल क्लास, तो उसको पहले स्टेबलाइज करते हैं कुछ जॉब करके, उसके बाद जिसको जिधर जाना रहता है, कुछ प्रोफेसर बन जाते हैं, कुछ टीचर भी बन जाते हैं, मतलब कुछ लोग IAS भी कर लेते हैं इंजीनियरिंग के बाद। तो मेरा भी वही है, पहले इंजीनियरिंग करना है, उसके बाद फिर मतलब फैमिली बैकग्राउंड पे उसको स्टेबलाइज करके, उसके बाद फिर कुछ आगे और फर्दर। मतलब आप भी कुछ अब सोचे, ये सुजल माना गया कि जो बच्चे कोटा जाते हैं, दिल्ली पढ़ते हैं, बनारस जाते हैं, महंगे महंगे कोचिंग इंस्टीट्यूशन जाते हैं और लाखों रुपया खर्चा होता है रहने का, उसके बाद ही बहुत सारे बच्चों का वहाँ नहीं निकलता है, बहुत दबाव में रहते हैं, यहाँ क्या खास बात है? जैसे आपने बचपन यहाँ बिताया, सीखा यहीं पर, पढ़ाई यहीं की, ऐसी क्या खासियत यहाँ की रही कि जो बच्चे इतने मतलब निकाल लेते हैं, ज़्यादा नंबर में रिजल्ट निकालते हैं? देखिए, बात ऐसा है कि बच्चों में एक जुनून होना चाहिए, जो कि यहाँ के बच्चे अपने सीनियर को देख कर सीख चुके हैं कि अगर जो हम 2 साल मेहनत कर लें, कहीं भी यहीं रह के, चाहे दिल्ली हो, कोटा हो, कहीं भी हम लोग अगर जब कर लें, तो कुछ मतलब कि हो जाता है, IIT हो जाता है, या फिर कोई भी कॉलेज से इंजीनियरिंग करके फिर जॉब मिल जाता है अच्छा खासा। तो वो मतलब यहाँ के बच्चों में एक जुनून सा आ गया है कि अगर जो इंजीनियरिंग करेंगे तो उसको क्रैक भी करके रहेंगे, और तो मतलब एक तरह कॉन्फिडेंस सीनियर्स की वजह से बना रहता है। तो सीनियर्स आते हैं जब कॉलेज से, तो आप लोग कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं और मतलब कुछ मदद करते हैं? हाँ, वो आते हैं तो हम लोग को इधर भी वो लोग आके मोटिवेट करते हैं, फिर सीनियर हम लोग कुछ डाउट्स वगैरह हुआ तो वो भी सॉल्व करते हैं, तो वही मतलब वो सीनियर बाहर से जब आते चलते रहता है। मतलब अब तो वीडियो कॉल का ज़माना है, तो वीडियो कॉल से भी मदद आती है कभी कभी? हाँ, वीडियो कॉल पर प्रोफेशनल टॉक्स भी किया जाता है कभी कभी, जिसमें बहुत सारे मतलब सीनियर से एकाध दो सीनियर रहते हैं, और वो फिर बच्चे लोग ज्वाइन हो करके फिर वो मोटिवेट करते हैं, तो वही होता है। आइए हम और बच्चे से बात करने की कोशिश करते हैं। तो आप बातचीत करना चाहेंगे? आपका क्या नाम है? रवि कुमार। रवि, जैसे कि कोटा में बहुत बड़े बड़े टीचर पहुंचते हैं, और दिल्ली में टीचर हैं, बड़े बड़े जगह पे, बड़ी बड़ी महंगी महंगी संस्थाएँ हैं, लाखों रुपये लेते हैं, और वो सोचते हैं कि उनके पास एक खास तरीके का फार्मूला है, एक खास तरीका है। आप लोग के पास पटवारी समुदाय में भी कोई फार्मूला है क्या कि इस तरीके से तैयारी करेंगे तो हो ही जाएगा? कोई सीक्रेट फार्मूला तो आप लोग छुपा कर नहीं बैठे हैं? नहीं, यहाँ मेनली वही जो वो बोला कि मेन यहाँ सीनियर्स सब यहीं आके सबको मोटिवेट करते हैं सबको, कि मतलब हम लोग भी यहाँ से मतलब सब कुछ कर, मतलब यहाँ से भी सब कुछ हम लोग कर ही सकते हैं जो हम लोग यहाँ से प्रोवाइड किया जाता है। कुछ खास तैयारी रहती पढ़े कि भाई ये सिलेबस का ये सब्जेक्ट पे इस पोर्शन पे ज़्यादा ध्यान देना है, ये सीनियर्स मदद करेंगे कि इससे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, इस पर ज़्यादा ध्यान देना, इसको ऐसे सॉल्व करना, इस तरीके की कोई मदद मिलती है आप लोगों को? यस, यहाँ के टीचर्स लोग भी हम लोग को मतलब जो सपोर्ट कर रहे हैं वो सब भी हम लोग को हेल्प करते हैं, सब कुछ प्रोवाइड करवाते हैं कि कैसा क्वेश्चन कैसा सॉल्व, मतलब कैसा वो IIT में क्वेश्चन सब ये सब मतलब
देता है, ये सब सब कुछ में हम लोग के यहाँ हेल्प मिलता है। तो ये जो संगठन है, जैसे आप लोगों को कितना खर्चा हो जाता है तैयारी करने में, क्या पारिवारिक बहुत, क्योंकि मैंने सुना है कि बहुत सारे समुदाय के जो बच्चे हैं वो एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं जो खुद यहाँ पर बुनकर का कार्य करते हैं, तो वो खर्चा कैसे मैनेज होता है? हाँ ये तो सही बात है, ये तो हम तो खुद भी बिलोंग करते हैं पुअर फैमिली से, मेरा भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैंने यहाँ के हेड चंद्रकांत भैया से मैंने बात किया, तो उन लोग उनने मुझे हेल्प की है, उनने प्रोवाइड किया है क्लासेस बुक्स सब मुझे प्रोवाइड किए हैं। तो सब फ्री में मिल गया आपको स्टेशनरी वगैरह? यस। तो आप लोगों को लगता है कि जो मदद मिलती है इसके बाद फिर जो सीनियर्स वो आर्थिक मदद भी करते हैं बाकी में, जैसे आप लोगों को भी रहता है जिम्मेदारी कि जब हम बड़े हो जाएंगे तो फिर जो जूनियर रहेगा उसको हम मदद करेंगे? यस यस ऑफ कोर्स, ये तो मतलब हम लोग जहाँ से निकलेंगे हम लोग वहाँ तो हम लोग खुद भी सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हम लोग को यही सपोर्ट मिला, तो जहाँ से मिलेगा वहाँ तो हम लोग भी आगे जाकर फ्यूचर में कुछ करेंगे तो फिर यहाँ सपोर्ट करेंगे। तो एक और बच्चे हैं और इनसे हमारी थोड़ी पहले बातचीत हुई थी, तो ये काफ़ी अलग तैयारी कर रहे हैं, मतलब जो एक लड़के यहाँ पे मानता है आईटी इंजीनियरिंग कर रहे हैं, आप मेडिकल स्ट्रीम चुना आपने, मतलब क्या कारण रहा, और अगर आपने चुना तो क्या कोई पारिवारिक दबाव आया कि तुम अलग क्यों जाना चाहते हो? नहीं, पारिवारिक दबाव तो नहीं था, मैं पहले से ही डॉक्टर बनना चाहता था, और एक ऐसा भी बात है कि जब मेरा भाई वो आईआईटी कर चुका है, मेरा भैया है तो वो भी है कि एक बड़े भाई आईआईटी इंजीनियरिंग का स्ट्रीम ले चुके हैं और मैं एक अलग स्ट्रीम ले सकता हूँ, और मुझे भी मन है तो इसीलिए मैं मेडिकल भी करना चाहता हूँ, मतलब डॉक्टर ही बनना चाहता हूँ। क्या लगा, जैसे कि मानते हैं जो लोग जो मेडिसिन चुनते हैं वो और स्ट्रगलिंग है, वहाँ पर एडमिशन होने के बाद ज़्यादा लंबा स्ट्रगल है, जैसे इंजीनियरिंग बोलते हैं कि अगर इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया, कॉलेज निकाल दो फिर नौकरी मिल जाती है, लेकिन मेडिसिन में लगता है नौकरी आपको जब हो गई उसके बाद भी और लंबा बहुत स्ट्रगल है, धीरे धीरे उसमें बहुत मेहनत लगती है, तो इसका चैलेंज का आपको भय नहीं हुआ कि ये बहुत बड़ा चैलेंज है, मेरे बाकी दोस्त इंजीनियरिंग ले रहे हैं मुझे मेडिकल नहीं जाना चाहिए था? नहीं, वो तो पहले से ही पता है, क्योंकि यहाँ पर और लोग कर चुके हैं, ये डॉक्टर वाला मेडिसिन भी यहाँ लोग कर चुके हैं, मतलब डॉक्टर बन चुके हैं यहाँ पर लोग, तो पहले से ही पता है कि मतलब 2 साल तैयारी ये करना है नीट, फिर कॉलेज में जाकर फिर आगे पढ़ने के लिए फिर प्रैक्टिस करना फिर लगेंगे, तो पहले से ही पता लग जाता है कि 10 साल और लगेंगे पढ़ने के लिए, तो उतना पहले से स्ट्रांग हो जाता है, पहले आप मेंटली प्रिपेयर्ड उसके लिए हो जाते हैं। और कुछ भी दिक्कत होते हैं तो भैया ये सब रहते हैं जो पहले से उस फैकल्टी के लिए होते हैं तो वो बताते रहते हैं। एक और है जिनसे हमारी थोड़ी बातचीत हुई थी, अच्छा जो बच्चे मान लिया आईआईटी नहीं कर पाए, जैसे एनआईटी इंजीनियरिंग नहीं कर पाए, आईआईटी हुआ एनआईटी हुआ, फिर उसके बाद उनके पास क्या ऑप्शन होता है, मतलब आप बड़े हो रहे हैं, मतलब ऐसा भय भी रहता होगा भाई ये नहीं हुआ तो फिर ये करेंगे, ये नहीं हुआ कुछ सेकंड थर्ड ऑप्शन भी बच्चे यहाँ रखते हैं? हाँ ऑप्शन तो मतलब सबके लिए बहुत कुछ है, लेकिन जैसे किसी को मेरा आईआईटी नहीं हुआ तो मैं फिर से ड्रॉप कर सकता हूँ और फिर से मतलब आईआईटी, अब चांसेस 2 ही बार रह गए हैं तो ये दबाव रहता है मन में कि अब 2 ही बार चांस है, पहले ज़्यादा चांसेस थे? हाँ तो जैसे मेहनत ज़्यादा करेंगे, मतलब जितना करते थे अपना फेलवर कहाँ पे हुए वो देखेंगे और फिर से ट्राई करेंगे, मतलब मन इंजीनियरिंग में ही रहेगा उससे अलग नहीं, जैसे कोई फिल्म मेकर बन गए, कोई आपको मीडिया में आ गए, चाहे फिर कुछ और कार्य कर लिया, वैसा इच्छाएं यहाँ के बच्चों में आती कि नहीं, आप लोगों के मन में आती कि नहीं आती? मेरा तो इच्छा है, मैं तो मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही बनूंगा, और तो मैंने कुछ देखा ही नहीं है, मतलब ये फिक्स हो गया कि बनना है तो इंजीनियर बनना है। और ये जो मान ली बाकी जो लोग हैं जो ये कारखाना चला रहे हैं, इसमें से कई ऐसे सपने होंगे जो टूट जाते हैं, वो कारखाने में काम करने लगते होंगे, क्या ऐसा होता है? सपने तो सबके टूटते हैं, ऐसा तो मतलब नहीं है, तो लोग अपना मतलब कुछ करते हैं, अपना कुछ ना कुछ वो कर लेते हैं। तो ये एक बड़ी ही अलग और विचित्र और बड़ी ही खुशहाल भरी कहानी है, आप देख सकते हैं सामने बहुत सारी किताबें हैं जो डोनेशन में आई हुई है, तो ये एक जो व्यवस्था है जो कि माना जा रहा है इंजीनियरिंग मेडिसिन ये सब बहुत महंगी पढ़ाई है और ये बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूशंस लाखों रुपए की फ़ीस लेते हैं, पेरेंट्स घर में एसी लगाते हैं और करोड़ों एक तरीके व्यापार है, जैसे कोटा को कहते हैं करोड़ों का व्यापार है, पटना को कहते हैं करोड़ों का व्यापार है, और उस सिस्टम में अगर ये बच्चे इतना बढ़िया रिजल्ट दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनकी जो बातें हैं जो कोचिंग इंस्टीट्यूशन कहते हैं उसको कहीं ना कहीं वो इनको धता बता रहे हैं, और एक चीज़ साफ हो रही है अगर बच्चा मेहनत करना चाहता है, सीनियर से हेल्प मिलते हैं और लगातार पढ़ाई करेंगे तो कहीं से वो रिज़ल्ट दे सकते हैं।